वो तितली की तरह आए जिंदगी में और जिंदगी को बाग कर गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है प्यार का एहसास, और ये एहसास तो फुल ऑन हो रहा है यहाँ पे अर्जुन को, और लगता है प्रीता भी अब तो कुछ कुछ फील करने लगी है। तो क्या कुछ हो रहा है अर्जुन और प्रीता की इस कहानी में, आइए पता कर आते हैं क्या है कहानी में नया ड्रामा। यहाँ तो एंटरटेनमेंट पक्का है। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में अर्जुन की जान खतरे में है और उन्हें अस्पताल लाया गया है। दरअसल काव्या को सांप से बचाते बचाते अर्जुन को सांप काट लेता है। काव्या तो बच जाती है लेकिन अर्जुन की जान खतरे में आ गई है, जिसके चलते अर्जुन अस्पताल में एडमिट है और अर्जुन को ऐसी हालत में देख प्रीता हो रही है काफी ज्यादा परेशान। मुझे लगता है कि डॉक्टर को गलतफहमी हो गई, इन्होंने अर्जुन को नींद में पड़पड़ाते हुए सुन लिया जब वो प्रीता को सांपों से बचा रहा था, और इन्हें लगा होगा कि अर्जुन को होश आ गया लेकिन उसे होश नहीं। अगर आप सीरियल देख रहे थे तो आपने देखा होगा कि ऋषभ ने पूरी फैमिली को भेजा था न्यूजीलैंड अर्जुन से बचने के लिए, और अर्जुन भी उसी फ्लाइट पे गया था। वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है, वहाँ पे सांप हैं, तो वही पूरे सिलसिले में काव्या को बचाने के लिए अर्जुन लड़ता है टेररिस्ट से और सांप से बचाने की कोशिश करता है, और वहीं पर सांप उसे काट लेते हैं। तो प्लेन लैंड हो चुकी है वापस बॉम्बे, टेररिस्ट को हरा दिया है और अब अर्जुन हॉस्पिटल में है। हम लोग बहुत टेंशन में है, अंजलि है, बाद में सृष्टि और समीर काव्या सब आते हैं, प्रीता पहले से ही है। प्रीता का रिएक्शन थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अब तक उसको वो नफरत थी अर्जुन से, बट अब यहाँ पे कुछ अलग सा है। शायद उसने काव्या को बचाया सांप से, इसी वजह से वो कटा, तो शायद इस वजह से प्रीता के दिल में कुछ और हो रहा है, बट इस वक्त कुछ अलग लग रहा है। यस, डॉक्टर ने आके वही कहा कि वो प्रीता का नाम ले रहा है और प्रीता से मिलना चाह रहा है। मैं यही कहूँगी कि आई थिंक 2023 सब के लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। आई थिंक इस साल में हम कोविड को बहुत पीछे छोड़ आएंगे, हालांकि लोग कह रहे हैं कि फिर से आ रहा है, बट मुझे नहीं लग रहा फिर आएगा, एटलीस्ट इंडिया में नहीं आएगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड 2023 में सब, आई होप आई प्रे कि सबकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो।